तो एक बंदर बनकर आप महीने का कितना कमा लेते हो? कितने लाख में चला? 60,000 रुपए खर्चा निकाल के 50,000-60,000 रुपए मिल जाता है। आप 14 सालों से बंदर बन रहे हैं, इन 14 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ आपके साथ कि आप किसी को डराने गए या फनी वे कुछ करने ऐसा गए आपको तमाचा खींच के मार दिया? हुआ है सर, उस दिन मेरे को ऐसा बहुत बुरा लगा कि ये बंदे ने मेरे को चमाचा क्यों मारा। मैं 5-10 मिनट के लिए तो रोने लगा अंदर से। सेठ मुझे 300 रुपए तनख्वाह देते थे पूरे दिन की, सुबह 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक। घर वालों ने, मम्मी भी मेरे को मना कर रही थी, मेरी सिस्टर है उसने भी बोले भैया तू ये काम करता है अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ दे। आपको बंदर बनने का आइडिया कहाँ से मिला जैकी जी? बंदर कोई मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा चीज है, ये तो मजाक है। तो आपको आपको कब लगा कि मुझे अपना ही मजाक बनाना चाहिए? सर मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था तो राजस्थान से कोई कलाकार आया था, अलग अलग कागज होते हैं लाल पीला ब्लू व्हाइट, उसमें से कोई फ्लावर बनाए कोई मोर बनाए, तो ये मैं सब चीज देख के मैंने दिमाग में उतार दी। ओके, हाँ तो आपको वहां से इंस्पिरेशन मिला कि मुझे बंदर बनना चाहिए? नहीं, मेरे को तब से आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ओके, तो मेरे घर की कंडीशन बहुत खराब थी, मैंने पढ़ना छोड़ दिया फिर काम पे लग गया। फिर ये कभी बंदर का आइडिया कहाँ से आया? मैं जब फ्रूट का ठेला चला रहा था तो सेठ ने मेरे को बोला तू बंदर बन जा। मैं बोलू मैं कैसे बंदर बनू, सेठ मुझे 300 रुपए तनख्वाह देते थे पूरे दिन की, सुबह 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक। एक दिन ऐसा मंदी आया के पूरे दिन में 300 रुपए का मैंने व्यापार किया, तो सेठ ने मेरे को गाली दिया बहुत कुछ बोला, मैंने सुनकर फिर चला गया। 10-15 दिन के बाद सेठ ने मेरे को बोला तू बंदर बन जा, तेरे में है ना टैलेंट है, भगवान ने तेरा फेस भी ऐसा बनाया है, और तेरे जो कस्टमर है ना ढूंढ ढूंढ के मेरे पास आते हैं, वो भैया क्यों नहीं आते जेकी भैया, हमको उसके पास मजा आता है। अच्छा, तो हाँ सेठ ने कहा कि बंदर बन जाओ, तो जैकी भैया बंदर बन गए। हाँ भैया, तो जैकी भैया जब बंदर बने तो घर में माँ पापा जो हैं घर वाले कुछ कहा नहीं? वो सब बोल रहे थे तू बंदर बनेगा, समाज में तेरा नाम खराब होगा, सब संबंधी वाले क्या बोलेंगे, ये कोई धंधा है क्या, कोई छोटा मोटा काम धंधा कर ले। मैं बोला नहीं, मैं खुद अपने पांव पे अभी खड़ा होने चाहता हूँ कि कुछ मैं समाज में करके दिखाऊं कि हमारे सिंधी समाज में भी आर्टिस्ट है। तो आप जिस दिन पहला दिन वो कौन सा था जिस दिन आप बंदर बने थे वो मुझे बताइए। पहला दिन था रथ यात्रा का, भावनगर गुजरात में जब रथ यात्रा निकली थी तब सेठ ने मेरे को बोला रथ यात्रा में 5 दिन पड़े हैं तू अभी से बंदर बनने की तैयारी कर ले। मैं बोला सेठ मेरे पास पैसे भी नहीं है, सामान मैं कहाँ से लाऊं, तो सेठ ने मुझे 1500 रुपए दिए, उसी में से हम अपने बंदर का सामान लाए, और रथ यात्रा के दिन पूरे दिन सुबह 7 बजे निकल दिए, शाम को करीब 8 बजे खत्म होती है, तो वो सेठ मेरे साथ पूरे दिन घूमता रहा रथ यात्रा में। तो आपका वो पहला दिन था रथ यात्रा में जब आप बंदर बने थे, घर हाँ सर, वाले देखे तो क्या बोले? घर वाले 2-4 महीने तो समझो कि ऐसे क्या बोलूं मैं अभी आपको, नहीं मना आप ही कर रहे थे बताओ ये उनसे, काम मत। मुझे मुझे जानना है घर वालों ने क्या कहा। घर वालों ने, मम्मी भी मेरे को मना कर रही थी, मेरी सिस्टर है उसने भी बोले भैया तू ये काम करता है अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ दे। मैं बोला बहन एक दिन मैं ऐसा आदमी बनूंगा कि पूरे समाज मुझे ढूंढेगी, भाई जेकी भैया किधर है, मैं उनको उससे मिलना है। तो तो अब क्या कहते हैं, संबंधी में अब क्या कहते घर वाले, जी, अब क्या कहते घर वाले? अब अच्छा, बोल दे, अब बोल दे तू दुनिया का सेलिब्रिटी बन गया है। हाँ तो अब घर में पहले जैसी आर्थिक तंगी भी नहीं होगी। एक बंदर नहीं बनकर बिल्कुल, आपने, अभी सही है। आप जो बंदर बनते हो, बंदर बनकर लोगों को एंटरटेन करते हो, प्यार देते हो, जो जिसके चेहरे पर मायूसी छाई रहती है उसे आप खुश करते हो, तो एक बंदर बनकर आप महीने का कितना कमा लेते हो? सर जब मैं इवेंट चालू किया था ना तब मैं 2000-2500 रुपए लेता था, जब से मैंने आज के 13 साल पहले की बात करता हूँ, हमारे गुरुजी के आश्रम में मैंने पहली वहां सेवा दी, उसका आशीर्वाद लग गया हमारे गुरुजी का,
तो गुरुजी मुझे बोला अभी तू काम चालू कर दे। गुरुजी मेरे को कवर में पैसे डाल के दे देते, मैं ले लेता था। तो कोई मंदिर वाले होते हैं, बोलते थे भाई प्रोग्राम करवाना है, तो मैं चला जाता था, पैसे वगैरह कुछ नहीं लेता था। जो मेरे को कवर में डाल दे, कोई 21 रुपए डाल दे, कोई 51 रुपए डाल दे, तो मैं लेके घर पे आ जाता था। तो मम्मी बोली अभी तू 21 रुपए लेता है, एक फिक्स रेट कर दे 101 रुपया। 4-5 महीना 101 रुपए में मैंने खुद काम किया, ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो। तो अब जैकी जी कितने महीने का कमा लेते हैं, लोगों को एंटरटेन करके बंदर बंदर बनकर कितना, अब कितना कमा लेते हैं ये मुझे जानना अभी है। तो भैया अभी तो सीजन होती है, हम गुजरात लोकल होते हैं ना, भावनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 किलोमीटर के आसपास, तो 5100 रुपए लेते हैं। अगर बाहर जाते हैं तो हम 15,000 लेते हैं, क्योंकि गाड़ी भाड़ा लगता है। एक आदमी मेरे पास काम करता है, उसकी पगार महीने की 20,000 है, खाना तो आप मतलब महीने का टोटल पीना। कितना कमाते होगे, कितने है? लाख में चला 50-60 हज़ार रुपये खर्चा निकाल के 50-60 हज़ार रुपये मिल जाता है। यानी 300 रुपया कमाने वाला एक दिन का व्यक्ति आज वो महीने का 50,000 कमा रहा है। हाँ, कैसा लग रहा है, मतलब कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी बचपन की जो बातें हैं ना, वो कभी नहीं भूलने वाला हूँ, जो मेरे साथ हुआ था। मैं बोलता हूँ भगवान वो दिन किसको भी ना दिखाए जो मेरे साथ हुआ है। तो अच्छा, बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को एंटरटेन करते हो, और जो व्यक्ति 300 रुपये पर डे कमाता था आज वो महीने का 50 से 60 हज़ार कमा रहा। और सबसे बड़ी बात है कि एक बंदे को भी हायर करके रखा है जिसे सैलरी देता है 20,000, ठीक है? तो हाँ ये हाँ सर, बड़ी बात है। तो एक चीज और जानना चाहता हूँ कि समाज में लोग बहुत ही, नो डाउट ये सच्चाई है कि हीन दृष्टि से ऐसे देखते, मजाक मजाक के पर्पज से देखते, अरे ये तो बंदर है बंदर है बंदर है। जैकी जी आपके मतलब कितने साल हो गए आप जब मतलब ये करते हुए? अच्छा, मेरे को सर 14 साल हो गए पूरे, ये यात्रा यात्रा गई ना, 13-13 साल पूरे हो गए, ये 14 साल चालू है। 14 साल से मैं काम करता हूँ। मेरे को सोशल मीडिया का कुछ पता भी नहीं चलता, सोशल मीडिया क्या होता है। मैं जूनागढ़ रोपवे में 18 दिन सुबह से लेके शाम तक काम किया, किसी बंदे ने मेरा वीडियो वायरल कर दिया 20 मिलियन पे। 20 सेकंड का वीडियो था, वो वीडियो मेरे फोन पे आया। जो मेरे पास बंदा काम करता है ना, उसने बोला जेकी भैया ये तो 20 मिलियन मतलब कहाँ बात पहुंच गई। उस बंदे का आईडी कांटेक्ट करके फोन नंबर लेके हमको फोन किया, उसको बोला भैया ये खाली आईडी पे मेंशन कर दो। तो उस दिन ने वीडियो उसने डिलीट कर दिया। दूसरे दिन फिर 2 दिन रह के हमारा प्रोग्राम सूरत में था, सूरत हम गए। वो बंदे ने मेरे को बोला मैं तेरे को वीडियो बना के देता हूँ, तू कटिंग करके अपनी आईडी में डाल। रात के 2:45 बजे मेरे को टाइम भी याद है, हम होटल पे गए और वीडियो एडिटिंग किया। मैंने यूट्यूब में से, क्राइम मास्टर में से देख के देखे कैसे कटिंग आता है, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ सर, मैं 7 चौपड़ी पढ़ा हुआ हूँ, मेरे को लिखना पढ़ना कम आता है। और अभी भी घर की जवाबदारी मेरे ऊपर है पूरी पूरी। आप 14 सालों से बंदर बन रहे हैं, इन 14 सालों हाँ में सर, कभी ऐसा नहीं हुआ आपके साथ कि आप किसी को डराने गए या फनी वे कुछ करने ऐसा गया, आपको तमाचा खींच के मार दिया, कभी ऐसा हुआ? हुआ है सर। उस दिन मेरे को ऐसा बहुत बुरा लगा कि ये बंदे ने मेरे को चमासा क्यों मारा। मैं 5-10 मिनट के लिए तो रोने लगा अंदर से, पर मेरा काम है पब्लिक को खुश करना, सामने वाले के चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। मेरा अंदर से मतलब यही है, मैं रोऊं वो सामने वाला देखे भाई क्या हुआ, उसको महसूस नहीं होना चाहिए कि इसने चमाचा खाया। मतलब आपको जब तमाचा लगा तो आप उस टाइम रोने लगे? हाँ सर, मैं रोने लगा अंदरों अंदर, मन में रोने लगा, क्योंकि सबके सामने मैं रोने लगूंगा तो इवेंट में सबको क्या लगेगा। बिल्कुल, तो जी रोना जी ही ठीक है, ऐसे अप एंड डाउन तो आते ही रहेंगे लाइफ में, ठीक है? हमारा काम है, आप हाँ एक शानदार एक्ट कर रहे हो जो हर कोई नहीं कर हाँ सकता, ठीक है? आपका ये सर, टैलेंट है और इस टैलेंट को आप दुनिया तक ले जाइए, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं जैकी जी। जी आप बात करके बहुत अच्छा लगा, अगर कोई आगे से तमाचा मारे तो उनको बोलिएगा कि जय श्री राम और करके निकल लीजिएगा, कभी अब उदास। सर मैं अब
ऐसे ही करता हूँ। अब कोई मेरे को देखे ना भाई ये मेरा मजाक उड़ाने वाला है, उसके सामने जाके पहले मैं जय श्री राम बोलता हूँ, फिर मैं उसको बोलता हूँ, क्योंकि बजरंग बली मेरे साथ 24 घंटे रहते हैं, मुझे पूरे पूरा विश्वास है। आप तो श्री राम के भक्त हैं, और श्री राम के हाँ भक्त को कोई तमाचा मारे तो बजरंग बली तो इतने प्यारे हैं कि ठीक है भैया तुम मार लो लो ठीक है, लेकिन बजरंग बली को गुस्सा भी आता है, कोई बात नहीं ठीक हाँ है, बजरंग बली के आप किरदार में रहते हो ये अच्छा लगता है, तो ऐसे ही आप आगे बढ़िए, जय श्री राम। अब मैंने देखा आपकी प्रोफाइल से तो आपकी कोई सीरीज आ रही है, कोई शायद डॉक्यूमेंट्री मूवी वगैरह आ रही है जो लंगूर करके, उसके बारे में क्या मतलब मुझे बताइए कुछ। हाँ मेरा एक डायरेक्टर है हैदर खान करके मुंबई का, वो सलमान खान के साथ ही रहता है, कैमरामैन और डायरेक्टर वही है। तो इन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में से कांटेक्ट किया, फिर मुझे मुंबई बुलाया, मैं मुंबई गया, मेरे पास डॉक्यूमेंट मूवी का प्रमोशन आया, बोला हम आपके साथ मूवी बनाना चाहते हैं। तो करीब 6 महीना मेरा शूटिंग चला मूवी का, 7 दिसंबर को कलकत्ता में मेरा प्रमोट होने वाला है मूवी का। कोलकाता मतलब कोलकाता में आपकी मूवी क्या प्रमोशन होने वाली है, क्या होने वाला है, रिलीज होने वाला है, प्रमोशन होने वाला है मेरा। हाँ होने वाला है आपकी मूवी की नाम लंगूर है। लंगूर है, पूरी डॉक्यूमेंट फाइल है मेरे ऊपर ही, बहुत बचपन बहुत से लेके आपको आज तक। बहुत बहुत आपको बधाई, आप मुझे सुनकर अच्छा लगा। थैंक यू और सो मच। जिस जैकी को लोग मजाक बनाते थे, आज जैकी पूरे भारत के लोगों को एंटरटेन कर रहा है, तो आप जाते जाते लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं, जो मैसेज क्या देना चाहते हैं। इसी तरह मेरे को प्यार बढ़ता रहे, छोटे बच्चों से लेके बड़े तक, इसी तरह मैं आगे भी और कुछ एंटरटेनमेंट करा सकूं। जैकी जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप आज 50,000 कमा रहे हैं, कल आप 50 लाख कमाएं, और ऐसे आगे आप तरक्की करें। हमसे बातचीत करने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हम अपने गाड़ी लेके किधर भी जाते हैं ना, तो रास्ते में जैसे कुत्ता मर गया, गाय मर गई, बिल्ली मर गया, तो हम उसको उठा के जैसे उसकी विधि होती है, प्रॉपर प्रॉपर तो नहीं कर सकते, पर साइड में लेके गाड़ी में हम अपना हथियार रखते हैं, पावड़ा वगैरह, उसको दफना देते हैं, क्योंकि आगे दूसरे का कोई एक्सीडेंट ना हो। उन लोगों की आशीर्वाद दुआ मुझे बहुत मिली है। हाँ तो आप मतलब ये भी करते हो, मत सर, मेरे आईडी में हर एक वीडियो आप देखोगे ना तो कोई ना कोई बीच में आएगा। कभी उस दिन हम राजस्थान उदयपुर से निकल रहे थे, कोटा से, तो उदयपुर पहुंचे सुबह, तो एक ट्रक वाले ने बंदर को उड़ा दिया, बंदर बेचारा उधर मर गया, मैं उसके पीछे भागा, ट्रक वाले के पीछे, हाथ में नहीं आया, फिर वो बंदर हमने उठा के उसकी दफन विधि कर दी। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप जो कर रहे हो वाकई में शानदार है, और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप आगे ऐसे ही बढ़ें, और फिर हम आपसे मिले जल्द ही, धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके।